सब्सक्राइब करें आदित्य मोटरबाइक चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को, जिससे आपको हमारे वीडियोस की न्यू अपडेट मिलती रहे। स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा ताज टीवीएस की पूरी टीम का और स्पेशली ओनर का, जिन्होंने हमको यहाँ बाइक प्रोवाइड कराई और उसका रिव्यू करने के लिए परमिशन दी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इटारसी में रहते हैं या इटारसी के आसपास रहते हैं तो आप इस शोरूम पर विजिट करें, आपको यहाँ स्पेशल डील्स मिलती रहेगी। उनकी जो सर्विसिंग है वही बहुत अच्छी देते हैं, कस्टमर को बहुत ही अच्छे तरीके से ये हैंडल करते हैं, तो आप यहाँ विजिट करें, आपको अच्छी अच्छी डील्स मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, आज हमारे पास टीवीएस की अपाची आरटीआर 164V। तो जैसा कि आपको पता है, हमने इसका फुल रिव्यू पहले ही दे दिया है, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाएं आप वहां से देख सकते हैं। तो अब मैं इसका फुल रिव्यू वापस से क्यों दे रहा हूं, तो फ्रेंड्स क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था भाई उसमें इतनी क्लियर क्वालिटी में हमको आपकी वीडियो नहीं देखने को मिल रही है टीवीएस अपाची आरटीआर 164V के बारे में, तो इसका रिव्यू मैं वापस से कर रहा हूं, उसका रिव्यू मैं शोरूम पर आपको दिखा रहा हूं। इसमें बहुत अच्छी क्लियरिटी में आपकी बाइक आपको देखने से मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, ये जो अपाची आरटीआर 164V है वो पुरानी अपाची 160 से फुल्ली चेंज है। तो जैसे कि उसका रियर लुक देख सकते हैं, वो इस बाइक को पीछे से भी बहुत प्रीमियम और बहुत ही अट्रैक्टिव फील कराता है, और उसकी जो टेल लाइट की डिज़ाइन है वो भी इस बाइक को बहुत अट्रैक्टिव फील कराती है, और उसकी जो इंडिकेटर्स हैं इसमें बहुत चेंजेस किए गए हैं, इनका जो इंडिकेटर्स के डिज़ाइन है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। और बात करते हैं इनके टायर्स के बारे में, तो इसमें आपको ड्रम ब्रेक और इसमें आपको जो रियर टायर का साइज़ मिलेगा वो 110/80 का इसमें आपको साइज़ मिलेगा। अच्छी विड्थ प्रोवाइड की जाती है आपको 160cc सेगमेंट की इस अपाची 4V में, और इसके बाद जो आपको रियर टायर मिलेगा वो भी आपको ट्यूबलेस मिलेगा। बात कर लेते हैं इसके एग्जॉस्ट की डिज़ाइनिंग के बारे में, इसका जो एग्जॉस्ट है वो काफ़ी हद तक अपाची 200 से मिलता जुलता है, जो कि आपने 1 ईयर 2 ईयर पहले इसको देख लिया होगा। इसमें आपको डबल बैरल साइलेंसर मिलता है, जिसके कारण बाइक और भी स्पोर्टी फील कराती है अपने आप में। अब आते हैं इसके ओवरऑल लुक्स के बारे में, जैसा कि आप इसका एक साइड लुक देख रहे हैं जो इस बाइक को एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक की फीलिंग देता है, और ये बाइक आपको 3 कलर ऑप्शन में मिल जाती है, एक ब्लू, ब्लैक और रेड जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। टैंक की जो फिनिशिंग है और उसके जो ग्राफिक्स हैं एंड जो 3D लोगो है टीवीएस का, वो इस बाइक को एग्रेसिव लुक दे रहे हैं, और हाँ इसमें आपको किक का भी ऑप्शन मिल जाता है। बात करूँ इसके इंजन के बारे में, इसमें आपको 159.7cc का ऑयल कूलर सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको इसमें मिल जाएगा, जो 16.5 bhp की पावर और 14.8 Nm का ड्रॉप। फ्रंट में आपको 270mm का डिस्क और 90/90 का इसमें आपको फ्रंट टायर का साइज़ मिल जाएगा, और इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलेगा। बात करते हैं उसके ओवरऑल लुक्स के बारे में, सो फ्रेंड्स इसका ओवरऑल लुक्स मेरे को बहुत पसंद आया, अच्छी है, नेकेड स्पोर्ट बाइक है। बात करते हैं उसके फ्रंट हेडलाइट के बारे में, इसमें आपको हेलोजन हेडलाइट और उस पर जो कॉर्नर्स पे आप देख सकते हैं लाइट लेफ्ट और राइट कॉर्नर्स पे, इसमें आपको छोटे छोटे से LED DRLs मिल जाते हैं, जो आपकी बाइक को नाइट आउट में एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स बाइक की फीलिंग देते हैं। इंडिकेटर्स आपको इसमें फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जो कि आपकी बाइक को डैमेज होने से भी अच्छे से बचा सकते हैं। बात करता हूँ उसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में, तो बेसिक से इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको इसमें देखने को मिलता है, जो कि हर बाइक में आपको देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा इसमें अलग है, ये फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो कि आपको पुरानी अपाची में देखने को नहीं मिलता है, जो आपको बेसिक से इसमें आपको चाहिए था वो सब मिल जाता है इसमें आपको, न्यूट्रल का साइन वगैरह, और उसके जो स्विचेस के जो मटेरियल इसमें जो यूज़ हुआ है वही बहुत अच्छी क्वालिटी का है। पासिंग का स्विच, लेफ्ट राइट इंडिकेटर स्विचेस और हॉर्न जो आपको हर बाइक में देखने को मिल जाता है, और हाँ फ्रेंड्स इसमें आपको किल स्विच का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल रिव्यू पर आते हैं, मेरे को ये बाइक बहुत ही पसंद आई है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, और इसकी जो फ्यूल लीड की जो पोजीशन है, इसमें आपको जहाँ फ्यूल आप जहाँ डलवाते हैं उसकी जो पोजीशन है वो आपको राइट में कॉर्नर पर मिलती है, जो कि एक बहुत अट्रैक्टिव प्लेस में आपको मिली जाती है। तो इसमें आपको ओवरऑल जो रिव्यू मेरे को बहुत पसंद आया, यहाँ देख सकते हैं स्टिकर लगा है अपाची आरटीआर 164V का। और बात करता हूँ उसके सीट के बारे में, इसके सीट की कुशनिंग भी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, अप्रॉक्स 2 या 3 लोग को आप बैठ के कम्फर्टेबल राइड कर सकते हैं, बहुत सॉफ्ट सीट है, उसकी जो कुशनिंग वही बहुत अच्छी है, आराम से आप इसको एक कम्फर्टेबल राइड कर सकते हो, उसका राइडिंग पॉस्चर भी बहुत अच्छा है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारे वीडियो में इसके लिए इतना ही, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप कुछ पूछना है टीवीएस अपाची के बारे में तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स।